अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी रजा वेस्ट फ्रॉम जेस्टी बाइट्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मैंगो केक। नेकेड मैंगो केक है ये। नेकेड मैंगो केक का मतलब ये है कि आपकी जो क्रीम होती है वो साइड से वो आपने फुली कवर नहीं किया होता केक को, आपने उसके इस तरह का फेंक दिया होता है, रस्टिक इफेक्ट सा दिया होता है आपने, जिस तरह ये देख सकते हैं केक में। सबसे पहले आपने केक टेंजेस के तैयार कर लेना है। ये मैंने केक पैंस लिए हैं, 2 8 इंचेस के मेरे दोनों ये पैंस हैं। उसको मैंने अच्छे तरीके से इसको ग्रीस कर लिया था, यानी ऑयल या बटर लगा लिया था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर बटर पेपर लगा लिया था। इस तरीके से सबसे पहले आपने केक तैयार करने से पहले सबसे पहले आपने इनको तैयार कर लेना है पैंस को। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर हैं, वो सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने अंडे डाले हैं, ये मैंने 3 एग्स लिए थे, वो आपने डालने हैं इसके अंदर। और आपने इनको बीट करना है अच्छे तरीके से। आपने इनको तब तक बीट करना है जब तक ये फ्लफ़ी नहीं हो जाते, यानी ये डबल वॉल्यूम के नहीं हो जाते और थोड़े से पेल से नहीं हो जाते, तब तक आपने इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। आप इसको हाथ से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा ईजी है। अगर आपके पास बीटर अवेलेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप इसको हाथ से भी बीट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। बहुत ईजी सी रेसिपी है, आप इसको ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें। मैंगोज़ का सीज़न है, उसको जाने से पहले आप ट्राई करके देखें इसको, बहुत मज़ेदार ये लगेगा आपको केक। ये देखिए, तकरीबन हमारा डबल वॉल्यूम हो गया है इसका और बिल्कुल येलो, पेल येलो से हो गए हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। ये शुगर आपने ऐड करनी है, इसकी क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल कर दी हुई है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप मैयरिंग कप से यूज़ कर रहे हैं तब भी आपकी क्वांटिटी मैंने लिख दी। अगर आप घर के सादा जो कप होते हैं, नॉर्मल चाय वाले कप, आप उनसे यूज़ कर रहे हैं तब भी मैंने क्वांटिटी अवेलेबल कर दी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। फिर इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, और आपने इसको तब तक मिक्स करना है जब तक अच्छे तरीके से चीनी डिसॉल्व नहीं हो जाती उसके अंदर, मिक्स नहीं हो जाती और हमारा साइज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो जाता केक का, बैटर का। ये सारे आपने बैचेस में डालने, इकट्ठे आपने नहीं डालने, वरना सही तरीके से मिक्स नहीं होंगे, नीचे बैठ जाती है चीनी थोड़ी सी। इसके बाद हमने इसके अंदर ऑयल डालना है। ऑयल की भी क्वांटिटी मैंने मेयरिंग कप्स वाली और दूसरे सादा कप्स वाली अवेलेबल कर दी है, वो भी चेक कर सकते हैं। ये आपने कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल लेना है, ऑलिव ऑयल नहीं लेना आपने, कोई सरसों का तेल नहीं लेना आपने, फ्लेवरलेस लेना है, किनोला जिस तरह आप ऑयल ले लें वो आपने ऐड करना है, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। इसको आपने तब तक मिक्स करना है जब तक आपको ऑयल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए इसके अंदर। इस दौरान मैंने ओवन प्रीहीट होने के लिए लगा दिया था। ये हमारा केक बहुत जल्दी बन जाता है, इसका बैटर बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए मैंने 10 मिनट अपना ओवन प्रीहीट किया था। आपने जो इलेक्ट्रिक ओवन है उसको 10 मिनट प्रीहीट करना है। साथ मैंने इसके अंदर मैंगो प्यूरी डाली है। ये मैंने एक आम लिया था, उसको मैंने उसकी अच्छे तरीके से छील के पील करके उसको धो के और फिर मैंने इसके पीसेस करके उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। आपने एक आम लेना है, उसकी प्यूरी बना लेनी है, आपने इसको ब्लेंड कर लेना है अच्छे तरीके से। पानी नहीं आपने डालना, बस इसको ब्लेंड करना और आपने इसको मिक्स कर लेना है। ओवन का मैं आपको बता रही थी कि प्रीहीट हो जाएगा, आपने 180 डिग्रीज पे इसको 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना है। इस दौरान हमारा ओवन प्रीहीटेड था, आपने पहले ही अपना ओवन प्रीहीट होने के लिए लगा देना है 10 मिनट। हर ओवन का टेम्परेचर का हिसाब डिफरेंट होता है, अगर आप इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं उसका डिफरेंट होगा, गैस ओवन का डिफरेंट होगा। तो आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं जेस्टी बाइट्स पर रेजा वेस के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं इंस्टाग्राम का लिंक अवेलेबल कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद मैंने ये मैंगो प्यूरी जब मिक्स हो गई अच्छे तरीके से, तब मैंने मैदा ऐड किया, इसकी भी क्वांटिटी आप देख लें। साथ मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया, बेकिंग पाउडर इसको राइज करने में हेल्प करेगा। और साथ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट फ्लेवर इन्हांस करने के लिए होता है, ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल लें। इसको फिर आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और ये आपने ध्यान रखना है, मेरा सारा जो मैदा था वो सारा उड़ गया था, आपने बहुत ध्यान रखना है इसका। पहले स्पैचुला से मिक्स कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है जब तक ये सारा मिक्स नहीं हो जाता। इसको आपने बैटर को ओवर बीट नहीं करना, बस आपने इसको तब तक आपने इसको बीटर को यूज़ करना है जब तक ये प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हो जाता। फिर आपने स्पैचुला लेके साइड से जितने भी साइड पे अगर फॉर एग्जांपल है या नीचे कोई भी वाइट मैदा या थोड़ा सा कोई चीनी कोई भी पार्टिकल्स इस तरह के रह गए हैं तो आपने उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर येलो कलर डाल सकते हैं, मैं इसके अंदर येलो कलर नहीं डाल सकती, ये ऑप्शनल है। आप इस स्टेज के ऊपर येलो कलर थोड़ा सा डाल लें जितना आपको कलर चाहिए, मैं नहीं डाल रही, इट्स टोटली अप टू यू। फिर जो आपने केक टेंस केक पैन जो आपने तैयार किए थे उसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आप इसको एक उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन आई फाइंड इट ईजी कि आप इसको काटने के बजाय केक को सेंटर के अंदर से तो आप 2 पैंस के अंदर बना लें। अगर आपके पास 2 पैंस अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली आप 1 पैन के अंदर बना सकते हैं, उसके बाद आप इसके स्लाइसेस कर लें।
फिर आपने इसको काउंटर के ऊपर टैप करना है अच्छे तरीके से, ताकि जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएँ और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आपका केक। अब जब हमारा ओवन प्री हीट हो रहा था, अब उसके अंदर हमने इस पैन को रख देना। ये आपको तकरीबन लगेंगे 25 टू 30 मिनट्स इसको बेक होने में 180 डिग्रीज के ऊपर। ये हमारा, मैं आपको बता रही हूँ, ये गैस ओवन का है। अगर आप उसको स्टोव के ऊपर बना रहे हैं यानी चूल्हे के ऊपर, जिस तरह मैंने आपको बाकी तरीके बताए हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगेगा, तकरीबन 40 टू 45 मिनट्स लगेगा। लेकिन आपने फिर भी चेक करते रहना है कि कितनी देर लग रही है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है, और आपका अगर गैस ओवन है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यू जस्ट हैव टू कीप एन आई कि आपका कब ओवन, किस तरह का ओवन है, आपने उसको चेक करना है। फिर आपने टूथपिक टेस्ट करना है, यानी आपने केक के अंदर टूथपिक डाल के देखनी है। अगर आपकी टूथपिक बिल्कुल साफ है, इसका मतलब आपका केक बन गया, तो आपने इसको बाहर निकाल देना और फुल ठंडा होने के लिए रख देना। फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने ये लिया है, व्हिपिंग क्रीम लिया है मैंने, 1 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है। आप कोई भी फ्रॉस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। जो मेरी टेट्रा पैक की क्रीम आती है वो मैंने 1 कप लिया है, और मैंने इसको और अपने बीटर को, यानी बीटर के जो आगे से मेरे हैंडल्स हैं उनको, मैंने फ्रीज़र के अंदर रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। आपने 1 घंटे के लिए बिल्कुल बोल भी, आपके क्रीम भी और आपका जो हैंडल्स हैं वो भी बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, तब आप जब बीट करेंगे तब सही तरीके से बीट होंगे। मैंने मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी भी बताई हुई है, उसका भी लिंक मैं अवेलेबल कर दूंगी। उसके अंदर भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके से आप इसको, क्रीम को अच्छे तरीके से व्हिप कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको व्हिप करते रहना है। आपने ध्यान रखना है आपकी क्रीम और आपके हैंडल जो है ना, ये सारे बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, तब भी आपकी क्रीम अच्छी तरीके से व्हिप होगी, अदरवाइज़ आपकी क्रीम लिक्विड ही रहेगी। गर्मियों का मौसम है ऑब्वियसली, तो आप इसको ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा बीट करने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए दोबारा फ्रीज़र में रख लें, फिर उसको बाद में फिर निकाल लें। ये देखिए मेरी थोड़ी क्रीम बीट हुई थी, अब इसको थोड़ी से गर्मी थी इस वजह से मैंने इसको दोबारा उसको फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रखा था हैंडल समेत। इसको मैंने फ्रीज़र में तकरीबन 15 से 20 मिनट रखा था। उसको निकालने के बाद मैंने दोबारा से इसको बीट किया था, तब मेरी क्रीम अच्छे तरीके से व्हिप हो गई थी। इसको 2 से 3 दफ़ा भी आपका प्रोसेस लग सकता है, क्योंकि आजकल गर्मी है और हर किचन में और हर जगह पे जहाँ पे भी आप बना रहे हो केक, उसका टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। मेरा तकरीबन 2 बार के बाद बन गई थी, व्हिप हो गई थी क्रीम अच्छे तरीके से फ्रीज़र में रखने के बाद। आपके अगर 3 से 4 बार भी लगे तो आपने इसको अच्छे तरीके से व्हिप करना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मेल्ट हो जाता है केक आपका आसानी से। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको स्टिफ पीक्स बना लेनी है। आपने इसको इस तरह बनाना है कि आप इसको अपने हाथ से अगर इसको झटका भी अगर दें तो आपकी क्रीम नीचे की तरफ ना गिरे, इस तरह की आपने पीक्स बना लेनी है। और उसको जब तक आपने सेट करना है तब तक आपने इसको फ्रिज या फ्रीज़र के अंदर लाजमी रख देना है, जब तक आपका सेट हो रहा है। मैं इसको फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी जब तक मेरा केक ठंडे हो रहे हैं। इसके बाद मैं आपको मैंगोस का वैसे बता दूँ, ये मैंने 3 से 4 बड़े आम लिए थे, चौंसा आम लिए थे, आप कोई भी सिंदरी आम भी ले सकते हैं। उसको मैंने धो लिया था और अच्छे तरीके से पील कर लिया था। अब मैं आपको इसके केक की डेकोरेशन का बता रही हूँ, जो आपने ऊपर डेकोरेट करना है। इसके बाद आपने इसके इस तरीके से स्लाइसेस काट लेना है, जिस तरह आप मैंगो काटते हैं उस तरह स्लाइसेस काट लेना है। कोई बड़ा आम हो और कोई सख्त आम हो तो उसका ज़्यादा अच्छा बनेंगे, जो नरम आम होता है उसका जूस सारा निकल जाएगा, तो वो आपका अच्छे तरीके से बैठेंगे नहीं, आपके केक के ऊपर डेकोरेट नहीं होंगे। या आपने बाद में इसके गुठली, इसका सीड जो है वो ज़ाया नहीं करना, आप उसको बाद में खा सकते हैं। ये हम थोड़ा सा ऊपर से उतारा था। फिर आपने इस तरीके से पतले पतले स्लाइसेस काट लेना है। आपने हर आम के इस तरीके से, मैंने तकरीबन 2 से 3 आम लिए थे, आपने इस तरह आम के स्लाइसेस काट लेना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने आपके केक के ऊपर कितने आम लगेंगे, आपके मैंगोस के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मेरे तकरीबन 2 से 3 आम लगे थे। ये देखिए इस तरीके से आपने इसके स्लाइसेस काट लेना है, और फिर सारे स्लाइसेस को आपने काट के साइड पर रख लेना। अब हम केक को डेकोरेट करेंगे। मैंने अपनी केक बेस ली, इसके बाद हमने केक बेस के ऊपर थोड़ी सी, जब आप क्रीम लगा देते हो तो आपका केक हिलता नहीं है बेस के ऊपर से, या आपने इस तरीके से इसको थोड़ी सी क्रीम लगानी है। उसके बाद आपने जो अपना मैंगो का स्पंज जो आपने केक बनाया था वो आपने रख लेना। आपने इवन साइड ऊपर रखनी है, यानी जो नीचे वाली साइड है वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है, और जो आपकी ऊपर वाली साइड थी जो केक बेक होने के बाद, वो आपने नीचे की तरफ रखनी है। फिर ये मैंगो जूस है, ये मैंगो जूस मैंने अपनी रेसिपी बता चुकी हूँ, ये मैंगो जूस बना हुआ मैंगो जूस है। ये सिर्फ मतलब आपका जो मैंने जूस की रेसिपी बताई थी उसको मैंने बनाया, यानी पानी के अंदर डाइल्यूट करके फिर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आपके पास वो अवेलेबल नहीं गई है तो आप कोई भी मैंगो जूस ले सकते हैं, या आप मिल्क से भी इसको सोक कर सकते हैं। तो ये मैं मैंगो जूस की भी रेसिपी अवेलेबल कर दूँगी, ये भी बहुत मज़ेदार ईजी सा जूस है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। उसको सोक करने के बाद अच्छे तरीके से आपने क्रीम के डॉलप्स इसके ऊपर डाल देना है, क्रीम थोड़ी सी आपने डाल देनी है। ये मैंने फ्रीज़र से अपनी निकाल ली थी जब आपने यूज़ करनी थी, और इसको आपने स्प्रेड कर लेना है अच्छे तरीके से।
इतना आपके इसके अंदर परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको इस तरह स्प्रेड कर लेना कि किनारों तक भी आपकी क्रीम पहुंच जाए। इसके बाद हम इसके ऊपर मैंगोज डालेंगे। ये मैंने एक आम इसके अलावा लिया था, अलग आम लिया था, जो मैंने आपको 3 से 4 मैंगोज बताए थे डेकोरेशन के अलावा लिया था, उसके मैंने क्यूब्स कर लिए थे अच्छे तरीके से। ये देखिए आपने इतने इतने क्यूब्स कर लेने हैं इसके, और उसके बाद आपने इसको स्प्रेड कर लेना है इसके ऊपर। जो सेंटर वाली लेयर है उसके अंदर आपने मैंगो के चंक्स डाल देने हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है मेरे लिए तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। अब जो दूसरा केक था ये मैंने इसी तरीके से अपसाइड डाउन रखा है। इसको आपने जो नीचे वाली साइड है वो ऊपर रखनी है, फिर आपने इसका बड़े पेपर उतार लेना है ऊपर से। इससे ये होता है कि आपका केक जो इवन साइड होती है वो ऊपर की तरफ आती है, तो आपका केक इवन होता है। अदरवाइज जो हमारा थोड़ा सा डोम सा आ रहा होता है केक के ऊपर, जो थोड़ा सा ऊपर हुआ होता है केक, तो वो आपके लिए मतलब आपकी डेकोरेशन सही नहीं होगी उससे केक की। फिर हमने इसको फिर मैंगो जूस से सोक करना है जिस तरीके से हमने पहले किया था। ये मैंगो जूस आप लाजमी ट्राई करें, ये बहुत ईजी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार होता है। अब इसको ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। फिर इस तरीके से सोक करने के बाद आपने फिर से वही स्टेप रिपीट करना है, आपने क्रीम डाल देनी है इसके ऊपर। फिर आपने क्रीम डाल के इसको अच्छे तरीके से इवन आउट कर लेना है। नेकेड केक की ये ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा उसके ऊपर डबल कोटिंग नहीं करनी पड़ती है। आपको एक पहले जो कोट करते हैं, फिर उसको आप ठंडा करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा आप जो कोट करते हैं वो आपको नहीं करना पड़ता। आप एक बारी में ही उसको अच्छे तरीके से कोटिंग कर सकते हैं। रस्टिक सा इफेक्ट आता है, थोड़ा एंटीक सा इफेक्ट आता है इसका, बहुत अच्छा लगता है ये इफेक्ट। और गर्मी भी है तो ज़्यादा क्रीम आप खाई भी नहीं नॉर्मली इतनी ज़्यादा जाती, तो इसलिए नेकेड केक ज़्यादा बेहतर रहता है। देखिए आपने इस तरीके से ऊपर आपने क्रीम रखी, और उसके बाद आपने, अगर आपके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्पून से या नाइफ़ से भी कर सकते हैं। ये नाइफ़ की तरह की है हमारी इसकी शेप, तो आप इसको नाइफ़ से भी कर सकते हैं। फिर आपने इस तरीके से इवनली इसको स्प्रेड कर लेना है, और उसके बाद जो आपकी केक बेस के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगी हुई है आपने उसको भी साफ़ कर लेना है। ऑब्वियसली आपने सर्व करने से पहले उसको साइड से साफ़ कर लेना है। ये ऊपर से आपने एक इवन लेयर कर लेनी है, इसकी थिन सी लेयर कर लेनी है। इसके ऊपर हमारे मैंगोज आएंगे। बहुत लाइट सा और बहुत इजी सा ये केक है, आप इसको ट्राई करें। ये देखिए इस तरीके से आपने एक दफ़ा इसको फेरना है और आपने इसको इवन कर लेना है। और बाद में मैंने ये जो साइड पे थे केक के क्रीम के जो पीसेस थे वो मैंने वो भी साफ़ कर लिए थे। इसके बाद हम इसके ऊपर मैंगो की डेकोरेशन करेंगे। ये मैंगोज जो मैंने बताए थे आपको, देखिए आपने इस तरीके से पहले एक लेयर लगानी है मैंगोज़ की, साइड से आपने लगाना शुरू करना है। अगर आपके पास क्रीम बच गई है तो आप साइड पे फ्रॉस्टिंग भी कर सकते हैं इसकी, टोटली इट्स अप टू यू। फिर इस तरीके से आपने करना है, आपने इसको ओवरलैप करना है, ये जो मैंगोज़ हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप होने चाहिए, तभी आपका सही इफेक्ट आएगा। ये जो आपका फ्लावर्स का इफेक्ट आ रहा है कि आपको मैंगोज़ को फ्लावर्स जैसे लग रहे हैं, इसको ऊपर नीचे ओवरलैप करने के बाद आएगा ये इफेक्ट। ये देखें इस तरीके से मैंने आपको जल्दी टाइम लैप्स करके दिखा दिया था इसमें, वरना ज़्यादा टाइम लग जाना था। अच्छा जब ये आपने सेट कर लेना, उसके बाद आपने दोबारा देखना है कि आपकी कोई खाली जगह है तो आपने उसके अंदर दोबारा मैंगोज़ डालने हैं। अब मेरी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी साइड पे वाइट थोड़ी सी जगह थी, खाली जगह थी, तो मैंने इसके ऊपर साइड पे और ज़्यादा मैंगोज़ फिट इन कर दिए थे ताकि हमारे ज़्यादा फुली कवर्ड हो मैंगोज़ का। ऑब्वियसली क्योंकि ये मैंगो केक है तो इसके अंदर जितने मैंगोज़ का होंगे उतने काम में, आप जितने ज़्यादा डाल सकते हैं उतने डालें। फिर आपने इसको चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक, बहुत इजी सी रेसिपी है, मज़ेदार, आप इसको ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें। थैंक यू।